हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज दोस्तों फिर से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे बात करने वाले हैं। ये कंपनी 21 मार्च को घोषणा किया है अपने निवेशकों को डिविडेंड देने जा रही है 1300%, यानी कि आपको 26 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिए जाएंगे। तो रिकॉर्ड डेट नोट करना ना भूलें। साथ में इस कंपनी में निवेश करने से कितने फायदे हमें मिल सकते हैं यह भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले दोस्तों स्टॉक स्प्लिट देने वाली शेयर पे बात कर लेते हैं, क्या हमें इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कंपनी 10:1 के रेशियो में जब स्टॉक स्प्लिट देती है तो ऑटोमेटिक उन शेयरों में अपर सर्किट लगती है टूटने के बाद, लेकिन उसका चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से अपने निवेशकों को रिटर्न निकाल के दिया है। तो फर्टिलाइजर सेगमेंट से ये कंपनी बिलोंग करती है, भारत एग्री, और आज के डेट में इन्होंने 1% की बढ़त के साथ 1051 रुपये पे मार्केट बंद हुआ है। ये कंपनी सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्टेड है। पिछले 6 महीने की रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो इन्होंने 76% का रिटर्न दिया है, जो कि यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम चार्ट के अनुसार से देखें तो ये इन्होंने अब तक अपने निवेशकों को 6900% यानी कि तकरीबन 69 गुना का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन इसके चार्ट को देखें तो इन्होंने जो है ना 90 डिग्री के कोण बना रही है। तो ऐसे सब चार्टों में अपर सर्किट से ऊपर जाती है और लोअर सर्किट से नीचे आती है, तो यहाँ से इग्नोर करना चाहिए इन शेयरों की। अब बात करें फंडामेंटल की, तो निवेश करने योग्य इस कंपनी में फंडामेंटल है भी नहीं। 555 करोड़ की स्मॉल कैप की कंपनी है और इसके रेवेन्यू को देखें तो साल 2020 के बाद से लगातार लगभग एक ही रेंज में ये कारोबार कर रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात है तो कुल मिलाकर साल 2022 में इन्होंने 0 करोड़ का प्रॉफिट किया है और 23 करोड़ का इन्होंने सेल किया था। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 67.1% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 32%। तो दोस्तों हमें ईडम फार्मास्यूटिकल जैसे ये कंपनी लग रही है, फिर भी अगर आपके पास पहले से ये शेयर हो तो आप रिकॉर्ड डेट नोट कर लें, 29 मार्च 2023, 10 भागों में ये शेयर बढ़ जाएगा। अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो 28 मार्च को कर लें, अन्यथा 29 को कर दें तो ये शेयर 10 भागों में टूट जाएगा। आइए अब हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में की बात करें तो ये कंपनी पहले भारत सरकार की हुआ करती थी, लेकिन अनिल अग्रवाल के द्वारा अधिग्रहण किया गया। अब वेदांता के पास कुल मिलाकर इस कंपनी में 64.9% की हिस्सेदारी है और भारत सरकार के पास 29.5% की हिस्सेदारी है। कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है तो इसलिए अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दे रही है। अब बात करें अगर निवेश करने की तो इस कंपनी में वो फ्यूचर दिख रही है जो आने वाले समय में डिविडेंड से आपको अच्छा खटा रिटर्न तो देंगे, साथ में मिनिमम 20% का रिटर्न निकाल के देगा। और अगर आप डिविडेंड से ही इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर ऑप्शन आपके पास कोई हो भी नहीं सकता है। सपोर्ट डेट आज के रेट में अगर हम 100 शेयर खरीदते हैं तो आपका लागत 32,000 रुपया होगा। अब ये कंपनी आपको 26 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है तो आपके 100 क्वांटिटी से आपको डिविडेंड के रूप में 2600 प्राप्त हो रहा है। इन 2600 रुपये से वापस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की शेयरों को खरीदे तो लगभग इतने पैसे से 8 शेयर और आ जाएंगे, तो आपके पास शेयरों की संख्या हो जाएगा 108। फिर ये कंपनी डिविडेंड देती है क्योंकि यह कंपनी साल में 4 बार डिविडेंड देती है, तो इसी प्रकार से कम लागत में इस कंपनी की शेयरों को बढ़ा सकते हैं। आपके पास जितना शेयर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। इस कंपनी की जो सबसे बड़ी खास बात है, पूरे विश्व में सबसे कम लागत पे जस्ता का उत्पादन करती है और भारत के एकमात्र ऐसी कंपनी है जो जस्ता, सीसा और चांदी की उत्पादक करती है। अब एक नज़र इस कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से ये कंपनी एक लार्ज कैप है, 1,35,295 करोड़ की। प्राइस अर्निंग रेशियो 12 पे ट्रेड कर रही है, जो कि सस्ते वैल्यूएशन पे होने की संकेत दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज 37.3% का है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी
28% का है। बुक वैल्यू 74 रुपये पर ट्रेड कर रही है। पिछले एक सालों में इन्होंने 383 रुपये का हाई लो 242 का बनाया। डिविडेंड यील्ड 23.6% का है, यानी कि कंपनी करेंट प्राइस का 23% डिविडेंड दे रही है। अगर रेगुलर इसी तरीके से देते रहे ना तो आपका 4 साल में डिविडेंड से ही पैसा डबल हो जाएगा। फेस वैल्यू 2 है। कहते हैं दोस्तों कि किसी कंपनी में अच्छाइयां होती है तो उसमें कुछ बुराइयां भी होती है। आप इस कंपनी के कुछ अच्छाइयां की देखें तो कंपनी ने कर्ज घटाया और अगले ऑप्शन में ये दिखा रही है कि कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है। कंपनी का सबसे अच्छी बात है कि ये कंपनी जो भी कमाती है उसका 98% जो है ना डिविडेंड के रूप में अपने निवेशकों को बांट देती है। अब खराबियां की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास जो भी होल्डिंग हो, यानी कि 64% की होल्डिंग है, उनमें से 87% होल्डिंग जो है ना वो गिरवी रखी हुई है। उसके बाद पिछले 5 सालों में इन्होंने 11.2% की खराब वृद्धि दर्ज की है। उम्मीद है कि अगले 2 साल तक और खराब वृद्धि रहने वाली है। एक नज़र इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो साल 2020 से लेकर 22 तक लगातार रेवेन्यू में वृद्धि की है और कंपनी उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी किया है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में रेवेन्यू में 10% की गिरावट दर्ज हुई है और पहले की अपेक्षा प्रॉफिट 14% कम हुआ है। साल 2020 और 21 में रेवेन्यू में 9% की वृद्धि दर्ज की थी और प्रॉफिट 17% अधिक हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में 25% रेवेन्यू बढ़ा था, प्रॉफिट 20% पहले की अपेक्षा इस बार भी अधिक हुआ है। कंपनी का सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन है। आप देखें साल 2022 में कुल मिलाकर इन्होंने 30,656 करोड़ का सेल किया और फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड में ये कंपनी मोटा मोटी 35,688 करोड़ का सेल करने जा रही है। अब यहाँ पर अगर हम नेट इनकम देखें तो 9,629 करोड़, मोटा मोटी 31.5% इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन है और इस बार ये कंपनी 10,856 करोड़ का सेल करने जा रही है, यानी कि यहाँ पर 30% की प्रॉफिट मार्जिन है। ओवरऑल दोस्तों इस कंपनी में लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। अब बात करें इस कंपनी से मिलने वाला रिटर्न की, तो आज के रेट में बेशक इन्होंने 0.91% की बढ़त बनाई हो, लेकिन शुरुआती में इन्होंने लगभग 1.5% की बढ़त बनाया था। उसके बाद मार्केट में गिरावटें आई है और पिछले एक मंथ में इन्होंने अपने निवेशकों को 0.22% का रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन इस बीच में जिस किसी ने खरीदारी किया होगा 254 रुपये पे, उन्हें सीधे तौर पे लगभग 10% का प्रॉफिट मिल रहा होगा। पिछले 6 महीने में 17% का और मैक्सिमम चार्ट के अनुसार से अब तक अपने निवेशकों को 250% का रिटर्न दिया है। अब एक नज़र इस कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड से बात करें तो आप देख सकते हो ये कंपनी 29 मार्च 2023 को रिकॉर्ड डेट रखा है, तब जाके 26 रुपये पर शेयर का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आपको 29 तारीख तक में खरीदारी कर लेनी है, अगर आप 30 को करते हैं तो डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा। उसके पहले अगर हम देखें तो 13 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। साल 2022 में 2 बार दिया है इन्होंने, 15.50 रुपये और 21 रुपया। उसके बाद यहाँ पर 21 में 18 रुपया, साल 2020 में 2 रुपया, 21.30 रुपया और 16.50 रुपया। तो कंपनी इसी प्रकार से देखें तो रेगुलर तौर पे अपने निवेशकों को डिविडेंड देते आ रही है। अब एक नज़र इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो FII वाले के पास 0.87% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक वाले के पास 32.5% की होल्डिंग है और हम आप जैसे छोटे निवेशकों के पास लगभग 1.5% की होल्डिंग है। तो इस तरह की जितनी भी शेयरें हैं उसमें डोमेस्टिक वाले और FII वाले का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। खैर यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की बात है तो 64.9% की होल्डिंग है, तो उनमें से आप देख सकते हो 87% जो है होल्डिंग वो गिरवी रखी हुई शेयर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अगर आपने ऑलरेडी पहले से निवेश करके रखा है तो बहुत अच्छे की बात है। अगर कोई व्यक्ति खरीदारी करना चाहता है तो बेहिचक कर सकते हैं। इस कंपनी से सिर्फ आपको डिविडेंड से रिटर्न सबसे बेहतरीन मिलेगा। फिर भी आपको खरीदारी करने से पहले
खुद से रिसर्च जरूर करना चाहिए।